हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में मैं आपको क्रोएशिया की बिल्कुल बेसिक बीनी बताऊंगी। बीनी या कैप आप बोल सकते हैं उसे। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है क्योंकि बिल्कुल सिंपल है और मैं इसमें डबल क्रोएशिया का यूज़ करूंगी। डबल क्रोएशिया से हम बनाएंगे इस बीनी को, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। मेरे इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने स्टिचेस बताए हुए हैं। अगर आपको स्टिचेस सीखने हैं तो मेरे चैनल पर जाके वहाँ से स्टिचेस सीख सकते हैं। वहाँ वीडियो अपलोड है, मैजिक रिंग की वीडियो भी अपलोड है। और अभी चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक बीनी बनाना। तो बीनी बनाने के लिए जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 4 mm क्रोएशिया हुक। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी एक नीडल की। इस नीडल को यूज़ करेंगे हम बिल्कुल एंड में, जब हमारा काम वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपने यार्न को, आखिर का जो बचेगा, उसे कैप को फिनिशिंग देने में इस नीडल की को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो यार्न बचेगा हमारा लास्ट में उसको हम कैप में ही अंदर स्टिच करेंगे। और ऑफ कोर्स एक पेयर्स ऑफ सीजर की ज़रूरत है यार्न कट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं मैजिक रिंग से। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हमारे पास ये जो बिल्कुल सरा है हमारा, उसे हम लेफ़्ट हैंड में सरा पकड़ेंगे। लेफ़्ट हैंड में पकड़ने के बाद अपनी उल्टे हाथ की दोनों फिंगर्स में, पहली दो फिंगर्स में इस तरह से राउंड करेंगे, इस तरह राउंड करेंगे थ्रेड को अपने फिंगर पे। तो जो ये नीचे वाला जो सिरा है, उस राउंड हमने किया है यार्न को, उसके नीचे से अपने हुक को गुजार के आगे वाला जो राउंड है या सिरा यार्न है हमारा, उसको हुक में फंसा के इस तरह से बाहर लाएंगे, इस तरह। और ये पीछे जो हमारा यार्न, जो लंबा बड़ा वाला यार्न हमारा जा रहा है, जो हमारा यार्न बॉल से अटैच है, वो हम यार्न में इस तरह फंसा के, हुक में फंसा के यार्न को इस तरह से लूप में से बाहर निकालेंगे और चैन बैन बन गई हमारी। अब हमें काम करना है डबल क्रोशिया पे। तो डबल क्रोशिया के लिए हम चैन टू लेते हैं। हमने चैन टू ली, एक चैन हमने पहले बना ली थी, दूसरी अब बनाई है। ये चैन टू ली। ये चैन टू लेने के बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे अपने इस मैजिक रिंग में। ये जो हमारे पास चैन टू है, इसको हम टोटली इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई पैटर्न, रिटर्न पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है ये जो टू चैन आपने बनाई हैं, ये एज अ डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया एज अ स्टिच काउंट हो रहा है, तो इसको आप एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा, और मैं भी अभी इसको काउंट नहीं करूँगी, इसलिए टोटल इसको इग्नोर करने के बाद हम यहाँ 12 डबल क्रोशिया इस रिंग में बनाएंगे, इस तरह से। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया ऐसे। अब हम इसमें मज़ीद 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 12 डबल क्रोशिया बन चुके।
12 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं, ये देख लीजिए इसमें। अब हम इसको टाइट कर लेंगे, इस मैजिक रिंग को। ये स्टार्टिंग का जो हमारा यार्न था, सिरा था, इसको खींच के हमने से इस रिंग को टाइट कर लिया। और हमारे पास जो पहला डबल क्रोशिया था, ये जो पहला डबल क्रोशिया था, इसका जो ये स्टिच है, हम इसमें हुक को एंटर करके स्लिप नोट कर लेंगे। स्लिप नोट आपको पता है, स्लिप स्टिच आपको पता है क्या है, स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये दो लूप हमारे पास आ गए इस तरह से। आपको पता है सिंगल क्रोशिया अगर आपने देखा होगा तो इसी तरह से हम दो लूप होते हैं और इसमें हम यार्न को इसमें से गुजार लेते हैं, लेकिन अभी हमें देना है स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच में हमें कुछ नहीं करना है, ये दो लूप हैं, तो आगे वाला जो लूप है वो पीछे वाले लूप में एंटर करेंगे इस तरह से, और ये हमारा स्लिप नोट बन गया है। अब हम राउंड टू बनाएंगे। ये हमारे पास 12 डबल क्रोशिया इसमें आ चुके हैं। अब हम राउंड टू बनाने के लिए चैन टू लेंगे। इस तरह चैन टू बनाई हमने। चैन टू बनाने के बाद आपको मैंने बताया, चैन जो हम बना रहे हैं इसको टोटली इग्नोर करेंगे, इसको एज अ स्टिच काउंट नहीं करेंगे। तो चैन टू बनाने के बाद हम इसी सेम स्टिच में, जहां हमने स्लिप स्टिच लिया है, उसी स्टिच में टू डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये टू डबल क्रोशिया हमने सेम स्टिच में बना लिया। और अब जो बाकी के 11 डबल क्रोशिया स्टिचेस हमारे पास बचे हुए हैं, इनमें भी हम हर एक स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यानी कि इसमें दो बनाए हैं, तो इसमें भी सब में हम 11 डबल क्रोशिया में टू डबल क्रोशिया मज़ीद बना लेंगे। तो हमारे पास ये टोटल यहाँ 12 है फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में हमारे पास टोटल 24 स्टिचेस बन जाएंगे। इस तरह हम दोनों बाकी के 11 में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। दोस्तों, अपनी ये वीडियो जो मैंने ये बनाई है बीनी की, इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत स्लो और बहुत इजीली एक एक चीज़ को जूम करके, प्रोमिनेंट करके आपको दिखा रही थी। मैंने किसी भी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़ाया है, किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड नहीं किया है फास्ट आगे, एक एक चीज़ को प्रोमिनेंट करके मैं बता रही हूँ। इसीलिए मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ताकि जो समझ रहे हैं, बिगनर्स हैं, बिल्कुल समझने वाले, सीखने वाले, उनके लिए ईजी हो जाए। अगर मैं इसको एक ही वीडियो में करके और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के इस चीज़ को बना देती, तो स्टार्टिंग में जो सीख रहे हैं उनके शायद समझने में, सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आती है वो क्लियर नहीं हो पाती। मेरा मकसद आपको सिर्फ सिखाना है, इसी वजह से मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग की स्लो बनाया, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, इस तरह से हम एक एक जो हमारा स्टिच है उसमें हम दो डबल क्रोशिया ले लेंगे, एंड द लास्ट हमारे पास 24 डबल स्टिच हो जाएंगे सेकेंड राउंड में।
कि हमारे पास 24 स्टिचेस आ चुके हैं। इस राउंड में हमने 24 स्टिचेस बना लिए हैं। अब हम इस राउंड को भी जोड़ने के लिए, राउंड करने के लिए ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से पहला हमारे पास जो डबल स्टिच है इस राउंड का, उसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसको खींच के हम मज़े टाइट करेंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया।